मैडम राइड्स द बस बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, एक छोटी बच्ची की कहानी है, तो काफी स्वीट एंड सिंपल स्टोरी है। पढ़ते हैं। ये वल्लीकनन जी ने लिखी है। सो इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो हर इंडक्शन इन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अब सेंसिटिव स्टोरी है, छोटी सी, मतलब एक सिंपल सी स्टोरी है, 8 साल की बच्ची के बारे में जो अपनी पहली बस की जर्नी करने वाली है, जिसको बहुत ही शौक है बस की जर्नी करने का एंड उसको मौका मिलता है बस की जर्नी करने का। हम लोगों के लिए बस में बैठना बहुत ही आम बात होगी, बट उसके लिए ये बहुत ही स्पेशल बात है। वो पहली बार अपनी बस की जर्नी कर रही है, अपने गाँव से बाहर पहली बार निकल रही है और बाहर की दुनिया देख रही है, और इसी प्रोसीजर में, इसी जर्नी में उसको एक चीज का पता लगता है, लाइफ एंड डेथ। सो इसी जर्नी में वो सीखती है कि व्हाट इज लाइफ एंड डेथ। हम सबको पता है कि एक दिन हमने मर ही जाना है, डेथ के बारे में हर एक को पता है, बट इस जर्नी में कुछ ऐसा होता है कि वो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग भी ले लेती है। सो क्या है ये स्टोरी, पढ़ते हैं। आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लेमाई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। सो वल्लेमाई था इस लड़की का नाम, जिसको शॉर्ट में या निक नेम आप कह लीजिए, वल्ली बोलते थे। शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। 8 साल की बच्ची, जैसे हर एक छोटा बच्चा होता है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन पूछता है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो हर चीज के बारे में वो बहुत ही क्यूरियस थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका सबसे अच्छा जो पास टाइम था वो क्या था कि अपने घर के मेन डोर पे खड़ी हो जाती थी वो, और बाहर गली में क्या चल रहा है, रोड पे क्या चल रहा है, वो सारा दिन ये देखती रहती थी। देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। सो उसके साथ के उसकी एज के बच्चे नहीं थे, उसकी सामने वाली जो स्ट्रीट थी वहां पे, तो वो किसी के साथ खेल नहीं पाती थी। सिर्फ जो हो रहा है, जो बच्चे खेल रहे हैं या जो आ रहा है जा रहा है, वो उन्हें देखती रहती थी। तो इसीलिए, क्योंकि प्लेमेट्स नहीं थे, तो वो सारा दिन यही करती थी। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। अगर हम ये सोचें कि वल्ली के पास दोस्त नहीं थे तो वो बोर हो जाती थी, वो खेल नहीं पाती थी, ऐसा नहीं था। वल्ली जो अपने फ्रंट डोर पे खड़ी रहती थी, उसको वो एक्सपीरियंस जो है वो उतना ही इंजॉयबल लगता था जितना सामने बाकी जो बच्चे खेल रहे होते थे गेम्स खेल के, उनको जो इंजॉयमेंट मिलती थी, उसी इंजॉयमेंट का एक्सपीरियंस वो उस फ्रंट डोर पे खड़े होके लेती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंस। वो सामने रोड को देखती रहती थी, तो जो भी वो रोड को देखती थी वहाँ पे सब कुछ जो प्रिडिक्टेबल नहीं है ना, कब क्या होगा रोड पे, आप किसी रोड को देखते लग जाओ तो कई बार नहीं पता होता कि क्या चीज़ आपके सामने आने वाली है। तो वो जो अनयूजल एक्सपीरियंसेस है वो उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड रहती थी और बहुत ही एक्साइटमेंट से रोज वहाँ पे खड़ी होती थी। तो ये यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, ये वल्ली का मेन डोर है, यहाँ पे ये वल्ली है, सामने देखिए बस जा रही है, यहाँ पे एक डॉग है, बेसिकली एक स्ट्रीट का लुक दे रखा है उन्होंने। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन। सबसे जो एक्साइटिंग चीज वल्ली को लगती थी वो एक बस लगती थी जो उसके गाँव से पास वाले शहर में, छोटा सा शहर है, वहां तक ट्रेवल करती थी, वहां से पैसेंजर्स को लेके आती थी, गांव छोड़ती थी एंड गांव से पैसेंजर्स को उस टाउन में छोड़ती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। अब जैसे बसेस होती हैं उनका टाइम फिक्स्ड होता है, तो इसी तरीके से इस बस का टाइम भी फिक्स था। हर घंटे ये वल्ली के सामने वाली स्ट्रीट से पास होती थी और एक बार वो शहर जाती थी और एक बार वापिस आते हुए दिखती थी। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Vali. अब जब भी बस जा रही है, तब
तब भी जो पैसेंजर्स होंगे वो नए होंगे, जब बस वापस आ रही है तब भी पैसेंजर्स नए होंगे। तो हर बार नए नए लोगों को देखना वल्ली के लिए एक अनएंडिंग जॉय था, कि ये जैसे कुछ इतनी खुशी है कि खत्म ही नहीं हो रही, हर बार नए नए लोग वो देख रही है, तो उसको बहुत ही एक्साइटिंग लगता था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इन टू हर हेड एंड ग्रू देयर। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। सो रोज जब वो वल्ली वहां पे खड़े होके उस बस को देखती थी, तो रोज देखते देखते ही उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा जो है उसके माइंड में आ गई, और वो जो इच्छा है वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा कि एक बार तो मैं इस बस में बैठूंगी ही, चाहे मुझे एक बार ही बैठने का मौका मिले। सो बस में उसको बैठने की अब नई विश जाग उठी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। अब ये विश जो थी, एक छोटी सी विश उसके दिमाग में आई थी, वो धीरे धीरे इतनी स्ट्रांग होती रही कि अब उसकी ये बहुत बड़ी डिजायर बन चुकी है, अब उसको इसको पूरा करना ही करना है। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। जब लोग बस पे चढ़ते थे, बस रुकती थी, बस से उतरते थे, तो वल्ली उनको इतनी विस्टफुली देखती थी, यानी कि इतनी इच्छा से देखती थी। कई बार आपका मन होता है ना, सामने वाला जो कर रहा है आपका बहुत मन है वही करने का, तो जब लोग बस से उतरते हैं, बस पे चढ़ रहे हैं, तो उसका वही मन है उन लोगों को देखने का कि मैं भी किसी दिन इसी तरीके से बस पे चढ़ूंगी या इसी तरीके से बस से उतरूंगी। तो बहुत ही विस्टफुली, यानी कि एक विशफुली जिसे कहते हैं लॉन्गिंगली, वो चाहती थी उनको देखना, और वो इस तरीके से देखती थी जब बस आके स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुकती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. अब जो वो लोग थे जो बस पे चढ़ते थे रोज या बस से उतरते थे, वल्ली को अपनी इच्छाओं में उनके फेसेस याद आते थे, अपने ड्रीम्स में, अपनी उम्मीदों में वही लोगों के चेहरे याद आते थे, क्योंकि वो भी उनमें से एक बनना चाहती थी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." अब कई बार क्या होता था कि वल्ली के कुछ जो दोस्त होते थे वो उसको कभी बताते थे कि हम भी बस में गए हैं या शहर हम गए हैं बस में बैठ के, तो शहर कैसा है, तो जब वो एक्सप्लेन करते थे तो वल्ली इतनी ज्यादा जेलस हो जाती थी, वो गुस्से में चिल्लाने लग जाती थी, इंग्लिश में बोलती थी प्राउड प्राउड, मतलब उनको ये एहसास दिलाती थी कि तुम बहुत ही घमंडी हो, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, इस तरीके से वो बुरा फील करती थी। Neither she nor her friends would really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब जो ये proud proud है, आप भी usually कभी भी अपना गुस्सा दिखाने के लिए proud proud नहीं चिल्लाते होगे। So वैसे ही उसको भी इस प्राउड प्राउड का मतलब नहीं पता था, ना ही उसके दोस्तों को पता था, बट उन्हें इतना पता था कि जब भी कभी अपना गुस्सा दिखाना है तो हम ये वर्ड बोल सकते हैं। तो एक स्लैंग, जैसे हम कई वर्ड स्लैंग में बोलते थे, तो उनके ग्रुप में उनको ये पता था कि गुस्सा दिखाना है तो इस तरीके से दिखाते हैं, प्राउड प्राउड। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स Wally listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब बहुत सारे दिन हो गए, महीने हो गए, वल्ली रोज वहीं पे खड़ी होती थी, वल्ली जो भी वहां पे लोग आते थे उनकी बातें सुनती थी, अपने नेबर्स के साथ वो लोग जो बातें करते थे बस से उतर के वो सुनती थी, और वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी पूछती रहती थी। डिस्क्रीट क्वेश्चंस मींस, देखिए केयरफुल क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मतलब कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी वो पूछती रहती थी बस के बारे में, शहर के बारे में, उन लोगों के बारे में। This way she picked up various small details about the bus journey. क्योंकि वो इतने सारे क्वेश्चन पूछती थी तो इस तरीके से उसको कुछ छोटी छोटी डिटेल्स पता लग गई बस जर्नी के बारे में। The town was 6 miles from her village. अब क्या उसको पता लगा कि जो शहर है वो उसके गांव से 6 miles दूरी पे है। The fare was 30 paisa one way. एक तरफ का जो किराया है, फेयर है, वो 30 paisa है, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say. अब
किसी को उसने कहते हुए सुना था कि सिर्फ 30 पैसा ही तो है, इतना तो कुछ भी नहीं होता। बट टू वली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्चून। अब वली के लिए अगर वो बात सोचे, वली ने जिसको कहते हुए सुना था वो तो काफी वेल ड्रेस्ड था, उसके लिए 30 पैसा कोई मायने नहीं रखता। बट वली के लिए उसने कभी इतना पैसा देखा ही नहीं, मतलब एक महीने से अगले महीने भी उसको हर महीने अगर वो सोचे कि इतना पैसा उसे मिले, उसने कभी ऐसा देखा भी नहीं। The trip to the town took 45 minutes. अब उसको बातचीत करके ये भी पता चला कि 45 minutes लगते हैं गांव से लेके शहर तक पहुंचने में। On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. अब उसको ये भी पता चला कि अगर शहर पहुंचने पे वो अपनी ही सीट में बैठी रहती है और फिर से 30 पैसा और दे देती है तो सेम बस में बैठ के वो वापस भी आ सकती है। सिंपल, दूसरे सॉरी वन वे का 30 पैसा है, सो वापस आएगी तो अनदर 30 पैसा देना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय 2:45। तो उसने सोचा कि ठीक है, अगर मैं 1 बजे की बस ले लूंगी तो टाउन में 1:45 तक पहुंच जाऊंगी, देन वापस घर 2:45 तक पहुंच जाऊंगी। तो ये सारी की सारी रिसर्च वल्ली ने रोज वहां पे खड़ी होके, क्योंकि आप सोचो ना, 8 साल की बच्ची है, उसको समझने में चीजों को बहुत टाइम लगेगा, तो रोज वो वहां पे डोर पे खड़ी होती थी, लोगों का इंटरेक्शन देखती थी, बस से जो लोग उतरते हैं उनकी बातें सुनती थी, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती थी, ये सब रिसर्च उसने करी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. अब माइंड में जब इतनी सारी रिसर्च कर ली है तो थॉट्स आगे के आगे बढ़ते रहते हैं, वो कैलकुलेट करती है, बार बार चीज़ों को सोचती है, प्लान करती है, फिर कुछ उसका गड़बड़ हो जाता है, फिर रीप्लान करती है कि किसी तरीके से वो ये अपना जो विश है उसको पूरा कर सके। वेल, One fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. अब एक दिन दोपहर की बस जब गांव से जाने ही वाली थी, चलने ही वाली थी, मेन हाईवे की तरफ वो टर्न ले रही थी, तभी एक छोटी सी बच्ची ने आवाज दी और बोला, Stop the bus, stop the bus. और एक छोटा सा हाथ ऐसे खड़ा हुआ। The bus slowed down to crawl and the conductor, sticking his head out of the door, said, Hurry then, tell whoever it is to come quickly. अब जैसे कभी आपने देखा हो, बस को अगर रोकना हो तो बस को जैसे उस छोटी सी बच्ची ने रोका तो बस धीरे धीरे करके रुकी, जैसे ब्रेक लगती है एकदम नहीं रुकते, धीरे धीरे करके रुकी, क्रॉल की, एंड कंडक्टर वैसे ही डोर से अपना सर बाहर निकालते हुए बोल रहा है कि जल्दी आओ, जिसने भी आना है अंदर। इट्स मी, शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। वली कहती है, इट्स मी, मुझे आना है अंदर। By now the bus had come to a stop and the conductor said, Oh really? You don't say so. So तब तक बस रुक चुकी होती है एंड कंडक्टर कहता है, सच में मुझे तो ऐसा नहीं लगता। Yes, I simply have to go to the town, said Wali, still standing outside the bus, and here's my money. She showed him some coins. अब Wali कहती है कि yes, मुझे सिर्फ शहर तक जाना है एंड इसीलिए मैं बाहर खड़ी हूँ एंड ये लो मेरे पैसे, और उसको वो कुछ कॉइन्स दिखाते हुए ये बोलती है, ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। तो कंडक्टर कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहीं पे पैसे नहीं, पहले बस पे चढ़ जाओ। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। वो क्योंकि उसने देखा कि छोटी सी बच्ची है, अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो बस पे चढ़ सके। बट नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। अब वली बहुत ही स्मार्ट थी, वो कहती, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने आप बस पे चढ़ सकती हूँ, आपको हेल्प करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड। अब कंडक्टर बड़ा मजाकिया था, उसने देखा छोटी सी बच्ची है, इतना एटीट्यूड की हेल्प भी नहीं ले रही है, तो कहता उसको प्यार से, मजाक से उसको कह रहा होता है कि प्लीज मैडम मुझसे गुस्सा मत कीजिए। Here have a seat right up there in front.
एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर द मैडम। और फिर से वो मजाक करते हुए उसको बोलता है कि बिल्कुल आप आगे आइए, ये जो बिल्कुल फ्रंट सीट में है। और सबको वो साइड करता है कि सब लोग प्लीज साइड हट जाइए, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। तो वो इस तरीके से उसको एड्रेस करता है। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देयर वर ओनली 6 and 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। अब दिन में कुछ टाइम होता है ना, जैसे दोपहर में या लेट नाइट में, जब बस में ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होते हैं। सो स्लैक टाइम मीन्स जब इतने ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। सो वो स्लैक टाइम ऑफ द डे था और उस टाइम बस में सिर्फ 6 से 7 पैसेंजर ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। अब सब लोग बस में देख रहे थे वल्ली को और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शायनेस। अब बेचारी बहुत ही शर्मा गई कि सब लोग उसको देख रहे हैं। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। सबसे शर्माती शर्माती वो एक खाली सीट पे बैठ जाती है जाके बिल्कुल छुपके। एंड यहाँ पे देखिए बस का सीन देख रखा है। यहाँ पे ये कंडक्टर है, ये भी हंस रहा है, ये पैसेंजर्स हैं, ये भी हंस रहे हैं। एंड दिस इज वली, वो बिल्कुल शांत होके बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। अब वो उसको वली को फिर से मजाकिया तौर में बोलता है कि मैडम स्टार्ट करें। तो कंडक्टर हंसते हुए बोलता है एंड अपनी विसल दो बार बजाता है। आपको पता है विसल बजाते हैं तो बस चल पड़ती है। अब बस पूरी स्पीड से चल पड़ती है। सॉरी, इट्स अ न्यू बस। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर। अब बस बिल्कुल नई नई थी, बाहर से व्हाइट पेंट, उसके ऊपर ग्रीन स्ट्राइप साइड्स पे हो रखी हैं। और जो ओवरहेड बार्स होते हैं जिसमें आप अपना सामान रखते हो, वो बिल्कुल ऐसे सिल्वर की तरह शाइन कर रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। और वली के बिल्कुल सामने जो विंडशील्ड होती है, मेन जो मेन मिरर होता है फ्रंट में, सॉरी जो ग्लास लगा होता है, मिरर नहीं, वो उसके ऊपर विंडशील्ड के ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक लगा हुआ था। एंड सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। अब ये वली की ऑब्जर्वेशन है कि सीट्स बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही लग्जूरियस है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बैठ रही है एक बस में। वली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। आंखों से जैसे उसने सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, डेवर्ड इंजॉय कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यूज कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ अ विंडो। अब कई बसेस में आपने देखा होगा विंडो का जो हाफ पोर्शन होता है वो कवर्ड होता है। तो ऐसे ही अब वल्ली तो वैसे ही छोटी है और बस का जो विंडो का लोअर हाफ है वो ऑलरेडी एक कपड़े से कवर कर रखा है, तो अब वो बाहर नहीं देख पा रही है। So she stood up on the seat and peered over the blind. तो वो जो पर्दा लगा हुआ है हाफ उसमें विंडो में, तो वो सीट पे खड़ी होती है एंड उस ब्लाइंड के ऊपर से देखने की कोशिश करती है। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, blue sky. अब जब उसने वो ब्लाइंड से ऊपर उठ के देखा बाहर, तो बस एक कैनाल के साइड से निकल रही थी। तो रोड बहुत ही पतली थी, एक साइड पे रोड के कैनाल था और कैनाल के पीछे पाम ट्रीज थे, एक बहुत ही बड़ा सा घास का मैदान था, उसके पीछे माउंटेन्स थे, देन ब्लू स्काई। सो ये सीनरी वली देख पा रही थी। On the other side there was a deep ditch and then acres and acres of green field, green as far as the eye could see. अब दूसरी साइड पे अगर वो देखती बस के, तो बहुत गहरी खड्डे थे, खड्डा था, and then उस खड्डे के आगे acres and acres of green fields थी। दूर दूर तक जहां तक वल्ली देख पा रही थी सिर्फ ग्रीनरी थी। Oh, it was all wonderful. वल्ली को बहुत ही सुंदर नजारा वो लगा। Suddenly she was startled by a voice. एकदम से किसी ने कुछ बोला और वल्ली हैरान हो गई। Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that. Sit down. अब वल्ली जैसे अपनी सीट पे खड़े होके देख रही थी, तो किसी ने एकदम से उसे बोला कि देखो बच्चे, ऐसे खड़े नहीं होते, आपको बैठ जाना चाहिए।
सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, एकदम से बैठ जाती है और फिर देखती है कि किसने उसको बोला. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन. अब जैसे बस में कोई भी बच्चा अगर ऐसे खड़ा हो खिड़की पे और बस चल रही हो तो सब लोग बोलेंगे कि आप बैठ जाओ, तो ऐसे ही किसी एल्डरली मैन ने उसे बोला कंसर्न दिखाते हुए कि कहीं वो गिर ना जाए कि आप बैठ जाओ. बट वली को वो अच्छा नहीं लगा, उसे गुस्सा आया कि क्यों उसने उसको रोका, क्योंकि वो बाहर बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर रही थी. बच्ची है ना, इतना नहीं समझेगी कि उसकी सेफ्टी क्या है. देयर इज नोबडी हियर हुज चाइल्ड, शी सेड हॉटली. अब देखो इतने घमंड उसको है, इतना एटीट्यूड है, तो बोलती है यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है. अपने आप को वो बच्चा नहीं कंसिडर कर रही है, 8 साल की है बट कहती यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है. आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, कहती मैंने भी तुम्हारी तरह पूरे 30 पैसा दिए हैं, मतलब टिकट पूरी ली है, तो कोई बच्चा नहीं है. अपने आप को वो उनके बराबर काउंट करती है. द कंडक्टर चिम्ड इन, एकदम से कंडक्टर आता है. ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. तो वो फिर से मजाकिया तौर में उसी एल्डरली मैन को कहता है कि ओ सर ये तो मैडम बहुत ही ग्रोन अप है, आपको लगता है कि कहीं इतनी सी बच्ची, अगर आप बच्ची की बात कर रहे हैं तो एक बच्ची अपना खुद किराया लेके, किराया पे करके एंड सिटी को ट्रैवल कर रही है अकेली, कोई बच्ची कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक ग्रोन अप मैडम है. वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड. अब वली ये बात सुन के कंडक्टर को बहुत ही एंग्री लुक देती है और उसको कहती है आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, इस बात को याद रखो. क्योंकि स्टार्टिंग से ही कंडक्टर उसको मैडम मैडम कह के चिढ़ा रहा है, तो कहती मैं कोई मैडम नहीं हूँ एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, कहती अभी तक मुझे मेरी टिकट ही नहीं दी तुमने. आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. अब कंडक्टर भी उसको कहता है उसकी टोन को कॉपी करते हुए कि अच्छा अच्छा याद आया. सब लोग हंसने लग जाते हैं एंड वली भी हंसने लग जाती है. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. अब जैसे कंडक्टर टिकट को पंच करके देता है वैसे ही उसको देता है. जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. अब कंडक्टर कहता है उसको, क्योंकि बच्ची है ना, उसको जैसे बोला गया कि आप बैठ जाओ तो वो गुस्सा हो गई, अब उसको प्यार से समझाना पड़ेगा, तो उसको उसी वे में समझाते हुए बोलता है कि आराम से बैठो, कंफर्टेबल हो, जब तुमने पूरी टिकट के पैसे दिए हैं तो खड़े होके क्यों जाना है तुमने. Because I want to, she answered standing up again. But वल्ली वल्ली है, वो फिर से खड़ी होती है और बोलती है नहीं, क्योंकि मुझे खड़े होके जाना है. Because I want to. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. अब फिर वो बोलता है कि देखो बच्चे, अगर खड़े रहोगे तो गिर जाओगे और अपने आप को चोट पहुंचा लोगे. अगर बस कहीं टर्न कर रही है या फिर कोई खड्डा आ गया तो तुम्हें झटका लगेगा, चोट पहुंच जाएगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ. अब क्योंकि वो फिर से चाइल्ड कह के एड्रेस करता है, वो वल्ली फिर चिढ़ जाती है, कहती आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old. अब 8 साल भी उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी हूँ मैं, कहती 8 साल की हूँ, बच्ची नहीं हूँ. ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय. अब वो फिर से कंडक्टर अपने मजाकिया टोन में बोलता है, कहता ऑफ कोर्स मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, 8 years की तुम हो. सो ऐसे सार्कास्टिकली उसको बोलता है. द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम. अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली फाइनली सैट डाउन. बस रुकती है, नए पैसेंजर चढ़ते हैं, कंडक्टर उनको टिकट देने में बिजी हो जाता है. अब वल्ली को लगता है कहीं उसकी सीट ना चले जाए, इस डर से वो फाइनली बैठ जाती है. एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर. अब एक एल्डरली वुमेन आती है, उसके साथ आके बैठ जाती है और बोलती है आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. बस दोबारा से चली, उसको बोलती है कि क्या तुम अकेली ही आई हो बस पे. वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्यूटली रिपल्सिव. अब वली को वो वुमेन देखते ही बिल्कुल पसंद नहीं है. रिपल्सिव मीन्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. कई बार होता है ना, किसी की पर्सनैलिटी ही आपको अच्छी नहीं लगती, तो जैसे ही वली उसको देखती है उसको वो अच्छी नहीं लगती है.
सच बिग होल शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम। आपने कहीं देखा होगा, खासकर ये ट्राइबल लोगों में होता है, जो कान में हमारे हम जो लड़कियां छेद करवाती हैं उनके बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं उसमें, और उन होल्स में वो बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स पहनती हैं। तो ऐसी ही वो लेडी थी, उसके जो ईयर लोब्स थे उसमें होल्स बहुत बड़े बड़े थे, एंड उनमें जो उसने इयररिंग्स पहने थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसलिए वल्ली को लगा अगली इयररिंग्स। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमेन वॉज चूइंग एंड सी द बिटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। अब वो होते हैं ना, कुछ जो लेडीज होती हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे पान चू करती रहती हैं, या कुछ लोग भी होते हैं जो पान चू करते रहते हैं, सो वो भी ऐसी ही थी। बड़े बड़े ईयर लोब्स थे उसके, उसमें अगली से इयररिंग पहने हुए थे, और वो यहाँ पे बिटल नट शी कुड स्मेल, जो लोग पान चू करते रहते हैं उनके मुंह से भी स्मेल आती है, सो वैसी ही वो उसको स्मेल भी वो कर पा रही थी। एंड ऐसे लग रहा था उसको कि जो भी उसका जो जूस है, वो बिटल नट यानी कि पान का जो भी जूस है वो कभी भी उसके मुंह पे गिर जाएगा, सो ये उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अग Who could be sociable with such a person? अवली एकदम से सोचती है कि ऐसे इंसान के साथ कौन सोशलाइज हो सकता है, कौन बात कर सकता है। वो कहती है, Yes, I'm traveling alone. She answered curtly. अब बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बेमन से जब हम किसी को रिप्लाई करते हैं, curtly means showing displeasure. जब हम बेमन से रिप्लाई करते हैं, तो वो कहती है कि Yes, I'm traveling alone and मेरे पास टिकट भी है. I've got a ticket too. Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 paisa ticket. अब कंडक्टर फिर से मजाक करके उसको छेड़ता है कि वो शहर जा रही है with a 30 paisa ticket. बार बार उसको रिमाइंड करवाता है। Oh, why don't you mind your own business, said Wally. अब Wally इरिटेट हो जाती है कि हर बात में कंडक्टर बोलता है, तो कहती है तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। But she laughed all the same and the conductor laughed too. So, वो भी हंसी, कंडक्टर भी हंस पड़ा इस बात पे। But the old woman went on with her driver. Is it proper for such a young person to travel alone? अब वो जो साथ में लेडी बैठी थी वो अभी भी उसी उसमें है कि क्या ऐसे छोटे इंसान को, इतने यंग इंसान को अकेले ट्रैवल करना सही है? Do you know exactly where you are going in town? कहाँ तुम जा रही हो, तुम्हें पता है? Street number क्या है, house number क्या है, तुम्हें पता है? You need not bother about me. I can take care of myself. अब वल्ली तो वैसे ही इतना attitude है, वो कहती कि मेरे बारे में चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली turning her face towards the window and staring out. अब वो विंडो की तरफ फेस कर लेती है और बाहर को देखना शुरू कर देती है। सो अभी